Next one, this is the example based on call by value and call by reference. इस केस में जस्ट मैंने फंक्शन क्रिएट किया fun. Fun के केस में a क्या है? As a primitive, जबकि b क्या है? Pointer. तो a के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वैल्यू पास होगा, जबकि b के रिस्पेक्ट में पास क्या करोगे? एड्रेस. पहले आप इस एग्जांपल की बार रीडाउन कर सकते हो, देन आपकी इजीली समझ लेना पॉसिबल है. In that case, x के रिस्पेक्ट में फन फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है? कॉल वाई वैल्यू और कॉल वाई रेफरेंस, कॉल वाई वैल्यू. जबकि y के रिस्पेक्ट में कॉलिंग का टाइप क्या है? कॉल वाई रेफरेंस. कॉल वाई वैल्यू और कॉल वाई रेफरेंस में जस्ट बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? इस केस में x और y क्या है? आर्ग्यूमेंट्स. और a और b को आप कंसिडर करोगे एज अ पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर. दिस इज एक्चुअल पैरामीटर्स. इस कॉल वाई वैल्यू के केसेस में फॉर्मल पैरामीटर और सिंपली पैरामीटर्स का यूज करके कभी भी एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्गुमेंट्स में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है. अगर आपको एक्चुअल आर्गुमेंट्स में चेंजेस कराना यूजिंग फॉर्मल पैरामीटर्स, देन इस केस में यूज क्या करेंगे? कॉल वाई रेफरेंस. चेक करेंगे जस्ट बिहेवियर ऑफ दिस कोड. सबसे पहले इस केस में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेन फंक्शन वन. मेन फंक्शन के अंदर जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर हुआ, देन परफॉर्म क्या कराएंगे? मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन. करेंटली मेन के अंदर टोटल लोकल वेरिएबल्स कितने हैं? देयर आर टू लोकल वेरिएबल्स एक्स एंड वेरिएबल वाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, वैल्यू ऑफ वाई इज 20. वन मोर थिंग्स, एक्स का एड्रेस मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ 100, तो वाई का एड्रेस क्या रहा हुआ? 98. नेक्स्ट वन, थर्ड केस में जस्ट कॉल क्या हो रहा है? फन फंक्शन. फन फंक्शन में एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स मीन्स किसी भी वेरिएबल नेम के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या कर रहा है? ऑलवेज देयर वैल्यू. एक्स का वैल्यू क्या है? 10. इसलिए पास क्या हो जाएगा इस केस में? 10. एम्परसेंड ऑफ वाई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे? एड्रेस ऑफ वाई विच इज 98 अकॉर्डिंग टू डायग्राम. फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? 98. इसके जस्ट बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड करेंगे हेडर ऑफ दिस फंक्शन. देन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉपी किस में जाएगा? वेरिएबल ए. ए में क्या आसान हो रहा है? 10. देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट आसान होगा सेकेंड करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर विच इज बी. बी क्या है? पॉइंटर. पॉइंटर में क्या आसान हो रहा है? एड्रेस 98. तो इस जस्ट केस में, गिवन केस में फन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, अगेन फन फंक्शन भी लोड कहाँ हो जाएगा? टॉप ऑफ द स्टैक. फन फंक्शन के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करेंगे लोकल वेरिएबल ऑफ द फन फंक्शन. फन फंक्शन में टोटल टू लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल. वेरिएबल ए इज अ प्रिमिटिव एंड वेरिएबल बी. बी का टाइप क्या है इसके इसमें? बी इज अ पॉइंटर वेरिएबल. देन ए का एड्रेस में एज्यूम करें 96, तो बी का एड्रेस क्या हुआ? समथिंग 94. ए के केस में आसान क्या हुआ? 10. एंड बी के केस में क्या आसान हो रहा है? 98. इन लोकेशंस के अदर नेम्स क्या होंगे? स्टार 96, स्टार 94, स्टार 100 एंड स्टार 98. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट आप फर्स्ट केस में राइट डाउन क्या किया? ए इक्वल्स टू ए प्लस स्टार बी. इस केस में स्टार क्या आ जाए? यूनरी ऑपरेटर, जो कि बी के लिए अप्लाई हुआ. बी क्या इस केस में? पॉइंटर वेरिएबल. नेक्स्ट वन, बी के पास एड्रेस किसका? 98 का. तो इस केस में एक और लोकेशन क्रिएट होगा आ जाए स्टार बी. स्टार बी उस लोकेशन का नाम हुआ जिसका एड्रेस बी में अवेलेबल है. बी में क्या स्टोर होगा? 98. इसलिए 98 लोकेशन का अदर नेम क्या क्रिएट होगा? जाए स्टार बी. क्लियर? इसे स्टार बी इज अ अल्टरनेटिव ऑफ वाई. देन ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे? ए का वैल्यू. करंटली ए का वैल्यू क्या है? 10. एंड स्टार बी के प्लेस पर क्या आएगा? स्टार बी का वैल्यू. स्टार बी मींस अगेन वाई. वाई का वैल्यू क्या है इस केस में? 20. देन फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? 20. एडिशन इज 30. आसान किस होगा? लोकल वेरिएबल ए. देन वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 30. नेक्स्ट वन, स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस स्टार बी. ए का वैल्यू क्या है? अगेन वैल्यू ऑफ ए इज 30 माइनस वैल्यू ऑफ स्टार बी. स्टार बी का वैल्यू क्या है करंटली? स्टार बी इज 20. इस स्पेस पर क्या आएगा? 20. 30 माइनस 20 डिफरेंस इज 10. 10 किस में आसान हुआ? स्टार बी में. स्टार बी मीन्स दैट प्लेस. मीन्स इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हुए हैं? वाई में. मीन्स वाई का इनिशियल वैल्यू क्या था? 20, लेकिन करंट वैल्यू क्या हो चुका है? 10. नेक्स्ट वन, अगेन ए इक्वल्स टू ए माइनस स्टार बी. ए के प्लेस पर क्या आएगा? ए का वैल्यू करंटली क्या है? 30. माइनस स्टार बी का वैल्यू क्या है? 10. 30 माइनस 10 डिफरेंस इज 20 असाइन टू द वेरिएबल ए. जब ए में असाइनमेंट करोगे तो मीन्स जब बी स्टार बी में चेंजेस किए, देन करेस्पॉन्डिंग चेंजेस किस में हुए? वेरिएबल वाई में.
लेकिन जब आपने ए में चेंज किया देन ए के अकॉर्डिंग एक्स मॉडिफाई हुआ क्या? नहीं, क्योंकि एक्स कॉल केस हुआ है, एक्स सप्लाई हुआ जाए कॉल वाई वैल्यू, जबकि वाई सप्लाई हुआ था जाए कॉल वाई रेफरेंस। नेक्स्ट वन कंट्रोल कहाँ है? रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस। या कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आया देन सिंपली डिस्प्ले किया गया इसके अंदर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 10, वाई का भी वैल्यू क्या है ऑल्सो 10। इस केस में आउटपुट क्या अपने फाइनली 10 स्पेस 10। क्लियर? तो जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आया देन परफॉर्म क्या हो जाए? डी एलोकेशन फॉर ऑल लोकल वेरिएबल ऑफ द फन फंक्शन।